हमने कविता पढ़ी थी, एक फूल की चाह, सियाराम शरण गुप्त जी की लिखी हुई। कौन मुझे बताएगा क्या पढ़ा था इस कविता में हमने? Raise your hands. Raise your hands. क्या पढ़ा था हमने इसमें? ओके आर्यन, हमने इस पाठ में पढ़ा कि एक लड़की है, एक अछूत लड़की है जिसको महामारी ने चपेट में ले लिया है। उसकी आखिरी इच्छा है कि वह माता के प्रसाद का एक फूल ही पाले। उसका पिता मंदिर में उसका पिता मंदिर में जाता है और फूल लेने जाता है, लेकिन लोगों ने उसे अछूत समझकर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और उसे 1 महीने का दंड दे दिया, एक हफ्ते का दंड दे दिया, जिस कारण वह अपनी बेटी का इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया। ओके देखा कि रीवा, उसकी बेटी शमशान घाट पर है और यस मैम। कविता एक फूल की चाह, कवि सियाराम शरण गुप्त जी की एक मशहूर रचना है। इस कविता में जाति के नाम पर भेदभाव के बारे में बताया गया है। इस कविता में ये भी बताया गया है कि एक समय था जब बहुत ज्यादा महामारी फैल गई थी, और तब एक लड़की थी सुखिया। वह बाहर हमेशा खेलती रहती थी, और उसका पिता उसे खेलने से मना करते थे, परंतु वह नहीं मानती थी। और एक बार वह उसे बहुत तेज बुखार हो गया, और उसका शरीर तपने लगा था उसका शरीर तपने लगा था। उसका पिता सोचने लगा कि जो लड़की दिन भर खेलती रहती थी, वो एकदम से चुप हो गई है। उसका गला सूखने लगा था, और धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी होने लगी थी। उसने अपने पिता से माता के फूल की इच्छा प्रकट की। माता फिर के उसका पिता प्रसाद का फूल, माता का फूल नहीं, माता माता के के प्रसाद का फूल। यस मैम माता के प्रसाद के फूल की इच्छा प्रकट की। उसके पिता यस पनिका आगे। मैम, जब सुखिया ने माता के प्रसाद के एक फूल लाने की इच्छा प्रकट की, तब उसका पिता कुछ दिनों पहले तो उसने सोचा कि वह नहीं जाएगा क्योंकि वह छूत है, लेकिन उसके बे ये कहाँ लिखा है कविता में कि उसने सोचा मैं नहीं जाएगा क्योंकि वह छूत है? कविता में कहाँ पढ़ा हमने? कविता में हमने कहीं नहीं पढ़ा। ओके मैम, फिर उसका पिता फूल लाने के लिए मंदिर में गया। वह छुपता छुपाता मंदिर में गया और मंदिर बहुत ही विशाल था, उसमें एक सोने का कलश था और उसमें सोने का कलश, देखो फिर गड़बड़, उसमें सोने का कलश। मंदिर के शिखर पर कलश था, तो मंदिर की मतलब ऐसे लग सोने रहा था का। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे सोने का है। मंदिर में सोने का कलश नहीं लिखोगे कि मंदिर में सोने का कलश है? नो। और दिए और धूप की खुशबू आ रही थी मंदिर के आंगन से। और और मंदिर में एक उत्सव के जैसा लग रहा था, मंदिर का माहौल जैसा उत्सव लग के रहा जैसा। था। मतलब आप देखो, आप किस तरह के सेंटेंसेस बना रहे हो।
मंदिर में उत्सव के जैसा लग रहा था। नो, मंदिर का माहौल एक उत्सव के जैसा लग रहा था। मंदिर के आंगन में धूप दीप जल रहे थे। मंदिर का सारा आंगन, उसके अंदर और बाहर उत्सव की आवाजें गूंज रही थी। ओके, नेक्स्ट। और बहुत सारे भक्त वहां माता की भक्ति कर रहे थे। और ये गा रहे थे कि पाप पति तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। ओके फाइन, इसको एक बार दोबारा किन ओके केंद्रीय भाव कंटिन्यू। अर्शप्रीत, ये वाली लाइंस आप मुझे जरा बताएंगी। पेज नंबर 105, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिर विकसित थे, पाकर समुद्र रवि कर जाल। बताएंगी एनीवन? कोई भी नहीं। कल हमने ये लाइंस पढ़ी थी परसों, किसी को भी याद नहीं है? Anybody? Ramneek, will you try? Ramneek, aap try karengi? Are you there? Haan ya na? Beta, kuch to jawab dijiye. Bataiye mujhe. Explain these lines. ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिर विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। गगन, आप ट्राई करेंगे? इसमें मंदिर के दृश्य के बारे में बताया है, इसमें मंदिर के दृश्य के बारे में बताया है, इसमें बताया है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर मंदिर स्थित है और मंदिर बहुत ही बड़ा है, विशाल है। सोने के कलश सोने ऊपर विकसित थे। उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कमल खिले हों। स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। सोने का कलश सूरज की किरणों से चमकते हुए ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणों से या किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल गए हो। आपको पता है जो कलश बना होता है, आपने अगर किसी मंदिर के ऊपर देखा हो तो उसकी ऐसे पंखुड़ियां निकली होती है, कमल जैसे बना हो, ऊपर कलश बना होता है, देखा है कभी? किसी ने नहीं देखा? ओके, दो लोगों ने देखा है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, पहाड़ की चोटी के ऊपर बहुत बड़ा मंदिर था, स्वर्ण कलश सर सिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। स्वर्ण कलश सोने का कलश, सर सिज कमल, विकसित थे, विकसित मतलब सुंदर लग रहे थे, खिलना विकसित तो आप खिलना भी कह सकते हो। पाकर समुदित रवि कर जाल, रवि की किरणों का जाल, सूरज की किरणें पाकर मंदिर की चोटी पर स्वर्ण कलश ऐसे लग रहा था जैसे सूरज की किरणें पाकर वह वहां कमल खिल गया हो, खिले हुए कमल जैसा लग रहा था। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, सारे आंगन में दीप और धूप की खुशबू आ रही थी, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था। मंदिर के अंदर और बाहर यानी
चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था। किसी को कोई डाउट इस पैराग्राफ में? आप जसप्रीत इसको मुझे एक बार दोबारा बताइए प्लीज, यही पैराग्राफ। जसप्रीत मुझे ये पैराग्राफ बताइए प्लीज। हरमीत आप बताइए। अभी मैंने बेटा पढ़ाया है और अभी आप लोगों को रिपीट करने के लिए कह रही हूँ। यू पीपल आर नॉट लिसनिंग, आर यू देयर? इस तरह से बेटे क्लास का क्या फायदा है? ईवा डिस्क्राइब कीजिए इसी पैराग्राफ को। यस मैम। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। मैम पर्वत पहाड़ी के शिखर पर, पहाड़ के पर्वत के शिखर पर स्थित था। सूरज की किरणें जब दोबारा मैम जो मंदिर था वो पर्वत के शिखर पर स्थित था। सूरज की किरणें जब कलश पर पड़ रही सूरज की किरणें कलश पर पड़ रही थी तो वह बहुत सुंदर दिख रहा था और मंदिर विशाल था। मंदिर में हर तरफ दीप धूप था। मंदिर हर तरफ दीप धूप से आमोदित था। और ईवा यहाँ आपने गड़बड़ की है। स्वर्ण कलश सर सिज विहसित थे, पाकर समुहित रवि कर जाल। जो मंदिर के ऊपर सोने का कलश लगा था उस पर सूरज की किरणें पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कमल खिल गए हो। दैट्स इट। ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मंदिर था जो कि बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा था और उस पर जो सोने के कलश लगे थे उन पर सूरज की किरणें पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कमल खिल गए हो। और सारा आंगन दीप धूप से खुशबू महका रहा था और मंदिर के भीतर और बाहर उत्सव जैसा वातावरण था। बस इतना सा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पैरा इज भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय। जो माता के मंदिर में भक्त लोग थे वे सभी माता की जय जयकार कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, अपने मधुर कंठों से माता का जयकार कर रहे थे और कह रहे थे पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना खड़े ही मैं आगे वो जाने किस बल से निकला। उसने कहा मेरे मुंह से भी ये बात निकली कि पतित तारिणी तेरी जय जय जय। और मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मुझे चलने की जरूरत नहीं पड़ी, धक्के लगने से मैं अपने आप ही आगे बढ़ता जा रहा था। वत्सल इसके बाद क्या हुआ? धक्के खाकर जब वो आगे बढ़ गया फिर उसके बाद क्या हुआ मैम? किसके बाद? सुखिया का पिता जब मंदिर में गया धक्के उसको लग रहे थे, धक्के खा खा कर वो आगे को बढ़ता जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ मैम? उसके बाद वह किसी तरह माता के पास पहुंच गए और वह उनको प्रसाद के तौर पे फूल मिल ही गया था। और जब जैसे ही वह वापस जाने लगे थे वहां पे किसी ने उनको पहचान लिया और वह उनको सारे मिलके मारने लग गए कि उन मंदिर में। तो उसे बीच में प्रसाद मिला या नहीं मिला ये तो हमने बताया ही नहीं कि उसे फूल मिला था या नहीं मिला था। मैम उसे प्रसाद में फूल मिल ही गया था और वे वापस चलने लगे, वापस जा रहे थे तो किसी ने उन्हें पहचान लिया
और वह सारे मिलके उनको मारने लग गए और कहने लग गए कि वह मंदिर में आके माता की मतलब अपवित्र कर दिया है मंदिर को यहाँ पे आके, और वह इनको दंड मिला, एक दंड मिला के वह एक हफ्ते तक कारावास में रहेंगे। उससे पहले एक पैराग्राफ है, कौन ये मुझे बताएगा इसका मतलब? पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित करती है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता के महिमा के भी। कौन बताएगा मुझे इसका अर्थ? Raise your hands. Raise your hands. कौन मुझे बताएगा? बस एक ईवा ने पढ़ाई की है इस कविता की और किसी ने नहीं की। Yes, Arshpreet. यस मैम, कभी कहते हैं कि किसी ने उन्हें वह मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे। वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर मंदिर को अशुद्ध कर दिया है और पवित्रता भंग कर दी है। वह मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। वह कह रहे थे कि उनकी वह गरिमा की उनकी जो कलुष है वह उनकी गरिमा से भी बड़ी है, किसी बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। अर्शप्रीत दोबारा इस लाइन का क्या मतलब है? क्या मेरा कलुष है बड़ा देवी की गरिमा से भी, इसका आपने क्या बोला, दोबारा बोलो। वह कह रहे थे कि उनका कलुष जो है, कलुष जो अशुद्ध कर रहे हैं, कि वह माता की गरिमा से भी ज्यादा बड़ा है। कलुष अशुद्ध करना मतलब कलुष क्या होता है? कलुष कलुषित करना, जैसे अशुद्ध करना। हाँ, तो आप कह रहे हो मेरा कलुष अशुद्ध हो गया है, और क्या बोल रहे हो, मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई। मेरा कलुष बड़ा है मैम, मतलब कि उनका अशुद्ध बड़ा है देवी की गरिमा से भी, उनका अशुद्ध करना मन। नहीं हम कहेंगे, हम इसको कहेंगे कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। सब लोग कह रहे थे कि इसने मंदिर की युगों युगों पुरानी चिरकालिक, चिर मतलब बहुत देर, कालिक पुरानी बहुत देर पुरानी पवित्रता, शुचिता मतलब पवित्रता, इसने युगों युगों पुरानी पवित्रता को कलुषित कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, कलुष मतलब कि मेरा पाप। वो कहता है क्या मेरा पाप, क्या मेरा मंदिर को अशुद्ध करना देवी की गरिमा से भी बड़ा है। आप ऐसे नहीं कहोगे कि मेरा अशुद्ध बड़ा है, नो, कोई सेंटेंस नहीं बना। वो कहते हैं कि क्या मेरा देवी के मंदिर को अपवित्र कर देना माता की गरिमा से बढ़कर है, क्या मेरा पाप माता के गौरव से ज्यादा बड़ा है। इसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी, क्या मैं माता की महिमा से भी बड़ा हूं क्या? Is it clear? Yes, ma'am. बेटा जब मैं पढ़ाती हूँ ना कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं पर पूछा करो कि मैम ये बात समझ में नहीं आई, प्लीज रिपीट, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आई हैव नो प्रॉब्लम। पर अपने डाउट्स के साथ मत बैठा करो प्लीज। गगनदीप नेक्स्ट बताओ मुझे क्या हुआ इसके बाद, क्या कहा उसने उनसे, माता के भक्त हुए तुम कैसे, क्या बात कही उसने? उसने यह बात कही कि लाइंस पढ़ो, लाइंस पढ़ते पढ़ते मुझे बताते जाओ। बेटा लाइंस पढ़ते पढ़ते बताते जाओ क्या कहा।
माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। जब सुखिया के पिता को सबने कहना शुरू कर दिया कि इसने मंदिर को कलुषित कर दिया है, इसकी पवित्रता को खत्म कर दिया है, तब उसने कहा कि क्या मेरा मंदिर को अशुद्ध करना माँ के गौरव से भी बड़ा है। फिर वह उन भक्तों को कोसते हुए कहता है कि तुम्हारे मन में यह छोटा विचार आया भी कैसे, यह इतना बुरा विचार तुम्हारे मन में कैसे आया। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कि माँ के सामने ही तुम ये कह रहे हो कि माँ की गरिमा कम हो गई, ऐसे कैसे। कुछ ना सुना भक्तों ने उसकी बात नहीं सुनी, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धमसे नीचे गिरा दिया, उसे पकड़ लिया और उसे मार पीट कर नीचे गिरा दिया। उसके हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। उसे अपनी बेटी की याद आई और उसने कहा कि मेरी बेटी तुम कितनी अभागी हो कि मैं तुम्हें माता के मंदिर का एक फूल भी लाकर नहीं दे सकता। और उसे पकड़कर ले जाया गया, जहां उसे 7 दिन की सजा मिली। उसके पास इस सजा का विरोध करने का कोई भी उत्तर नहीं था, इस दंड को उसे भोगना ही था। और वह 7 दिन तक जेल में रहा। उस जेल में रहना 7 दिनों तक उसके लिए सदियों के बराबर था। 7 दिनों तक वह रोता रहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने नहीं रुके। जब वह दंड भोगकर जेल से छूटा तो घर जाने को था, लेकिन जैसे उसके पांव के पीछे को खींच रहा था और वह घर नहीं जा पा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उसकी बेटी उसको पहले की तरह लेने के लिए नहीं आई है। जब वह पहले घर पहुंचा था तो बेटी दौड़कर आती थी और उसे मिलती थी, और कभी कभी खेल में उलझी हुई मिलती थी, लेकिन आज ना तो वह दौड़कर उसे लेने के लिए आई और ना ही खेलती हुई दिखाई दी। उसे देखने मरकट को ही गया दौड़ता हुआ। वहां उसे पता चला कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और वह मरकट पर उसे देखने के लिए पहुंचा। लेकिन जब वह वहां पर पहुंचा तो उसके परिचित उसकी बेटी को जला चुके थे और उसकी चिता भी बुझ चुकी थी। उस समय उस पिता की छाती भदक उठी और कहने लगी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई रात की थी ढेरी। उसकी छोटी सी प्यारी सी कोमल सी बच्ची रात की ढेरी बन चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं हार। वो कहते कि हे मेरी बेटी, मैं तुम्हें आखिरी बार अपनी गोद में नहीं ले सका, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, और मैं तुम्हें माँ के प्रसाद का एक भी फूल नहीं दे सका। इज इट क्लियर नाउ? किसी को अभी भी डाउट है तो बेटा मुझसे पूछ लो। किसी को कविता ना समझ में आई हो, किसी को लाइन कोई ना समझ में आई हो, किसी को कोई इंसिडेंट ना समझ में आया हो, इसको एक कहानी की तरह पढ़ लो तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके? एक कहानी की तरह इसको पढ़ोगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके?